आज हमारा लास्ट डे गैस्टन में और हम निकल रहे हैं और आज हम जा रहे हैं मर्टल बीच. तो पैकिंग हो रही है, पूरा एक महीने से हम इस घर में थे तो पैकिंग हो रही है और सब कार में रखा जा रहा है. ये था एक महीने का सामान, एक महीने का सामान, थोड़ा सा और. जाने से पहले चेकिंग. Our stay here was awesome. Bye bye to the vlog ka adda, Gaston Avenue, Knoxville, Tennessee, and the beautiful neighborhood that Hi, so aaj hum lambi si drive karke abhi Columbia tak jayenge. Beech mein hum most probably shayad Asheville ke andar rukenge. Wahan pe ek Biltmore house hai. Agar rukenge to fir I'll shoot. अगर नहीं रुकेंगे तो फ़ायदा नहीं. एंड देन वी विल गो टू कोलंबिया और कोलंबिया से नेक्स्ट डे वी विल स्टे इन मर्टल बीच. Biltmore house, and this is the world's largest privately owned house. और ये पूरा का पूरा एक estate है जो privately owned है और आज हम इसका tour करने वाले हैं. And this is one of the best places to visit in Asheville. हम अभी आगे जा रहे हैं. तो ये जो एरिया है ये भी इसके प्राइवेटली ओन्ड है. एंड दिस हाउस वाज क्रिएटेड 8000 एकर्स. एट मिनट्स की ट्रैकिंग करके वी विल रीच द हाउस. House.
So this is the Biltmore house ki entry. हम 10 मिनट तक चलते ही जा रहे हैं इधर अंदर पहुंचने के लिए एंड वहां से दूर से मैन दिस हाउस इज ह्यूज. यहाँ पर वीडियोग्राफी मना है इसलिए मैं कर नहीं रही हूँ और बहुत सुंदर जगह है. बाहर हैं और ये गार्डन्स बहुत सुंदर हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर है और ये पूरा घर बहुत सुंदर है एंड इट इज़ ह्यूज, इट इज़ ब्यूटिफुल एंड आई ट्राई टू पुट एज मैनी पिक्चर्स एज पॉसिबल इन द वीडियो जस्ट टू शो यू गाइस. पूरा इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड कलरफुल एंड लाइक बिल्कुल रॉयल फीलिंग आ रही है. ये रहा ग्लास हाउस. ये है यहाँ की ग्लास हाउस नर्सरी और ये अंदर से बहुत सुंदर है. इतने छोटे छोटे मतलब प्लांट्स है इधर. इट्स वेरी ब्यूटिफुल. लेट्स गो इनसाइड. And you deserve.
अकॉर्डिंगली ये लिवर खुला था और बंद हुआ था ताकि एयर रेगुलेट करने के लिए पानी. गोइंग बैक नाउ वी विल गो टू कोलंबिया एंड देन वी विल गो टू बीच. हाय सो हम चढ़ाई करके वापस जा रहे पार्किंग की ओर. इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस एंड इट वाज वर्थ इट. Talk about it after a while. We finally reached Colombia और यहाँ पर we went to the CVS pharmacy because मेरे को allergic reaction हो गया था. मुझे बहुत allergies हैं और क्या कहते हैं तो उधर से. लेकिन उधर ये हुआ था कि whichever the exact sort that we needed वो हमें मिल गई थी एंड वहाँ पर एक्चुअल डॉक्टर्स बैठे होते हैं तो ऐसा नहीं है कि केमिस्ट की सजेशंस. मतलब वहाँ पे एक्चुअल डॉक्टर्स बैठे होते हैं. दैट वाज अ गुड थिंग. और अब हम होटल को निकल रहे हैं वॉलमार्ट से. ये है बहुत सुंदर रिवर जो स्टेट के अंदर ही है. यहाँ सब लोग बोटिंग करते हैं, रेस्ट करने आते हैं. हम यहाँ की बेसमेंट में हैं. स्टोर कॉरिडोर कहते हैं.